तो कैसे हैं आप सब? नमस्कार दोस्तों, वॉच एंड एंजॉय मैचन में आप लोगों को स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो में आप लोगों को दिखाएंगे कंप्यूटर में आप लोग जो है एक सीडी से और एक सीडी कैसे डुप्लीकेट बना सकते हो, और नैरो स्पेस से मैं आज दिखाएंगे सीडी को कैसे बाउंड कर सकते हो। मतलब फ्रेंड के पास एक गेमिंग सीडी है, म्यूजिक सीडी है, वीडियो सीडी है। सो फ्रेंड, वो वीडियो सीडी आप लोगों को 3-4 कॉपी बनाना पड़ेगा। सो फ्रेंड, आप लोग वीडियो सेंटर में ना जाके, किसी दुकान पे ना जाके, अपने खुद अपने पीसी में कैसे आप लोग एक सीडी से बहुत सारा सीडी कॉपी पेस्ट कैसे कर सकते हो, बर्निंग कैसे कर सकते हो, स्टेप बाय स्टेप मैं दिखाएंगे इस वीडियो में। आगे तक बने रहिएगा, इस वीडियो शुरू करते हैं। तो आप लोग अभी तक वॉच एंड एंजॉय चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर लाल बटन जो है सब्सक्राइब लिखा है इसको दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और यहाँ पर बेल के बटन को आप लोग क्लिक करके आप लोग नोटिफिकेशन अलर्ट पा सकते हो। सबसे पहले पहले जो आप लोगों को मैं बोला चाहता हूँ, नैरो स्पेस ये सॉफ्टवेयर आप लोगों को डाउनलोड करना पड़ेगा। मैं डिस्क्रिप्शन लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। सो फ्रेंड, इंस्टॉल करने के बाद अपने पीसी में कुछ इस तरह इंटरफेस यहाँ पर नज़र आता है। उसके बाद फ्रेंड, यहाँ पर जो स्टार सिंबल है, स्टार सिंबल में आप लोगों को कुछ इस तरह फंक्शन देखने के लिए मिल जाएगा। सो फ्रेंड, यहाँ पर लिखा है देखिए, मेक डाटा सीडी, मेक डाटा डीवीडी, मेक ऑडियो सीडी, मेक वीडियो सीडी। सो फ्रेंड, यहाँ पर सारे अलग अलग फंक्शन है, ठीक है। तो आप लोगों को यहाँ पर मेक डाटा डीवीडी और मेक डाटा सीडी, इसका मतलब ये है फ्रेंड, आपका डीवीडी या आप डीवीडी में बांध करना चाहते हो तो डीवीडी यहाँ पर सिलेक्ट करना पड़ेगा। आप सीडी में बांध करना चाहते हो तो सीडी में सीडी यहाँ पर आप लोगों को सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो पहले आप लोगों को मैं बोलना चाहता हूँ, अपने पीसी में कुछ फाइल है तो सो फ्रेंड, यहाँ पर मेक डाटा सीडी में क्लिक कर दीजिए। उसके बाद फ्रेंड, यहाँ पर आप लोगों को ऐड करना पड़ेगा कुछ भी। आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो अपने वीडियो को, अपने इमेज को, कुछ भी यहाँ पर आप लोग ऐड कर सकते हो, ठीक है। मैं यहाँ पर कुछ ऐड करके आप लोगों को दिखाता हूँ। सिंपली यहाँ पर मैं ऐड कर लिया। उसके बाद फ्रेंड, एक सीडी में आप लोगों को 800 MB आप लोगों को स्पेस रहता है, ठीक है। 800 MB तक आप लोग यहाँ पर जो है इस सीडी में यहाँ पर कुछ भी आप लोग कॉपी पेस्ट कर सकते हो, मतलब बर्निंग कर सकते हो, ठीक है। तो सिंपली मैं यहाँ पर एक वीडियो यहाँ पर डाल दिया हूँ। मेरा यहाँ पर बहुत सारा स्पेस बाकी है 800 MB में, ठीक है। पूरा का पूरा 800 MB आप लोग यहाँ पर फुल करने के बाद आप लोग एक ब्लैंक सीडी अपने डीवीडी ड्राइव में, अपने डीवीडी ड्राइव में इंसर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड, यहाँ पर नेक्स्ट में क्लिक कर दीजिए। नेक्स्ट में क्लिक करने के बाद आपका सीडी के नाम यहाँ पर कुछ भी दे दीजिए, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड, यहाँ पर बर्न में क्लिक कर दीजिए। उसके बाद फ्रेंड, यहाँ पर आप लोगों का जो है बर्निंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। ऑटोमेटिकली आपका सीडी में जो है वो सारे के सारे वीडियो फाइल्स, ऑडियो फाइल्स आ जाएगा, ठीक है। सो आज दिखाएंगे आप लोगों को एक सीडी, एक डीवीडी से कैसे आप लोग जो है कॉपी पेस्ट कर सकते हो, मतलब डुप्लीकेट सीडी कैसे बना सकते हो। तो उसके लिए आप लोगों को फ्रेंड, यहाँ पर नैरो स्पेस को ओपन करना पड़ेगा। उसके बाद फ्रेंड, आपका डीवीडी है तो डीवीडी, सीडी है तो सीडी, सीडी से कॉपी कर रहे हो तो सीडी आप लोग को इंसर्ट करना पड़ेगा पहले अपने डीवीडी ड्राइव में, जो ओरिजिनल सीडी है वो, ठीक है। डीवीडी हो तो डीवीडी, ठीक है। मैं यहाँ पर डीवीडी से कैसे कॉपी करता हूँ वो दिखाएंगे। तो सिंपली मैं यहाँ पर मेरा डीवीडी ड्राइव में यहाँ पर मैं एक डीवीडी को इंसर्ट किया, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड, तो यहाँ पर डीवीडी लगाएंगे, डीवीडी सीडी जो भी आपका ओरिजिनल वो लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पर कॉपी का सिंबल यहाँ पर जो है चेंज हो जाएगा कुछ इस तरह, यहाँ पर देख सकते हो आप लोग, कुछ इस तरह यहाँ पर चेंज हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर कॉपी में क्लिक कर दीजिए। कॉपी में क्लिक करने के बाद फ्रेंड, यहाँ पर आपका कॉपी स्टार्ट हो जाएगा। ये 5 से 10 मिनट लग सकता है। उसके बाद आप लोगों को क्या क्या स्टेप फॉलो करना पड़ेगा मैं स्टेप बाय स्टेप दिखाएंगे, ठीक है। तो वीडियो थोड़ा लंबा होगा इसलिए मैं इस वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ। सो फ्रेंड, यहाँ पर बर्निंग हो रहा है, आप लोगों को मैं माई कंप्यूटर में जाके दिखाना चाहता हूँ। देखिए, ये मेरा डीवीडी है, 4.2 GB का ये डीवीडी ड्राइव है, ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो। तो इसको मैं कॉपी करके दूसरा सीडी बनाएंगे, ठीक है। तो सेम टू सेम
में दूसरा सीडी बनाएंगे। सो फ्रेंड, आपका ओरिजिनल सीडी या डीवीडी से कॉपी होने के बाद यहाँ पर देखिए आप लोगों का सामने आपका डीवीडी ड्राइव से वो ओरिजिनल सीडी या डीवीडी ऑटोमेटिक बाहर निकाल देगा, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड आप लोगों को ब्लैंक सीडी या डीवीडी आप लोगों को वो डीवीडी ड्राइव में डाल के यहाँ पर डालना पड़ेगा। डालने के बाद फ्रेंड कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली फ्रेंड आप लोगों का सीडी या डीवीडी को यहाँ पर बर्निंग कर देगा, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप आप लोग फॉलो कीजिएगा, आपका 100% मैं बोलता हूँ आपका बर्निंग प्रोसेस श्योर होगा। देखिए फ्रेंड आप लोग का सामने यहाँ पर मेरा ब्लैंक डीवीडी जो मैंने अभी इंसर्ट किया हूँ उसमें राइट हो रहा है, ठीक है। तो इसके लिए फ्रेंड और एक 5 मिनट आप लोगों को लगेगा, मतलब टोटल आप लोगों को 10 मिनट जो है एक सीडी या डीवीडी कॉपी करके बर्निंग प्रोसेस में लग जाता है, ठीक है। तो इसको भी मैं फास्ट फॉरवर्ड करता हूँ। सो फ्रेंड यहाँ पर मेरा बर्निंग जो है प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर कंप्लीट होने के बाद फ्रेंड आप लोगों का सामने आपका डीवीडी ड्राइव, ठीक है, ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आपका जो डीवीडी अभी बर्निंग होके रेडी हुआ है वो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, प्रोसेस कंप्लीट सक्सेसफुल दिखा रहा है यहाँ पर, ठीक है। ओके कर दीजिए, ओके करने के बाद नेक्स्ट कर दीजिए, नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर क्लोज कर दीजिए, ठीक है। क्लोज करने के बाद फ्रेंड आप लोगों का जो डीवीडी अभी बर्न होके रेडी होके यहाँ पर जो है बाहर निकाल दिया है अपने डीवीडी को दोबारा से अपने डीवीडी ड्राइव में इंसर्ट कीजिए। इंसर्ट करने के बाद फ्रेंड ये सही में ये बर्निंग प्रोसेस सही में हुआ कि नहीं हुआ आप लोग देख सकते हो। माय कंप्यूटर ओपन कीजिए, उसके बाद फ्रेंड यहाँ पर देखिए 4.2 GB यहाँ पर मेरा जो है यहाँ पर सेम टू सेम यहाँ पर जो है मेरा बर्निंग प्रोसेस कर दिया है, मतलब कॉपी पेस्ट कर दिया है जो मेरा पिछली सीडी जो मेरा ओरिजिनल सीडी है उसमें से सेम टू सेम कॉपी करके मुझे जो है नैरो स्पेस इंसर्ट कर दिया है, ठीक है। तो इस तरह आप लोग जो है कोई भी सीडी डीवीडी आप लोग जो है कॉपी करके रख सकते हो, डुप्लीकेट सीडी डीवीडी बना सकते हो, ठीक है। तो मेरा इस वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग को लाइक और शेयर ज़रूर करना, मैं इस तरह वीडियो आप लोग के लिए लेके आता हूँ। कोई भी सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे बताना, और मैं मिलता हूँ दूसरे वीडियो पे दूसरे टॉपिक पे, तब तक के लिए जय हिंद।